नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल। चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। संगठन पंजाबी सेवा दल फरीदाबाद ने आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। संगठन कार्यालय पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया, जिसमें संगठन के सदस्य व कार्यकारिणी की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। पंजाबी सेवा दल के चेयरमैन एवं फरीदाबाद सरब गुरुद्वारा कमेटी के महासचिव सरदार रविंद्र सिंह राणा ने इस अवसर पर अपने संबोधन में, जहां उपस्थित जनों ने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने का आह्वान किया, वहीं उन्होंने कहा कि हमें मानव समाज व प्रकृति की सेवा हेतु कार्यरत रहना चाहिए। सरदार राणा ने शहीदों को याद करते हुए कहा कि उनकी शहादत के बिना आज़ादी संभव नहीं थी। फरीदाबाद नगर निगम के पार्षद मनोज नासवा ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा व राष्ट्र के लिए कुछ करने का जज्बा सभी में होना चाहिए। श्री नासवा ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में भारत एक बार पुनः विश्व का मार्गदर्शन करेगा। पंजाबी सेवा दल के महासचिव एडवोकेट नरेंद्र सिंह कंग ने बताया कि देश प्राकृतिक समाज व मानवता की सेवा ही संगठन का लक्ष्य है। एडवोकेट नरेंद्र सिंह ने कहा, संगठन के चेयरमैन सरदार रविंद्र सिंह राणा, प्रधान सरदार सर्वजीत सिंह के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का सफल आयोजन, पौधारोपण अभियान का कार्य और राष्ट्र पर्वों को श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है, जिसके लिए संगठन की पूरी टीम बधाई पात्र है। गुरुद्वारा गुरु श्री सिंह सभा NH1 के प्रधान सरदार मनजीत सिंह ने भी अपने संबोधन में सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पंजाबी सेवा दल के प्रधान सरदार सर्वजीत सिंह, वरिष्ठ उपप्रधान काले सिंह सलूजा, उपप्रधान हरभजन सिंह, कोषाध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी, डीपी सिंह, गुरमीत सिंह, रणजीत सिंह राणा, विजेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह टीनू, मनीष गोलू, अनिल गोलू नीलू, पूर्व विधायक स्वर्गीय KN गुलाटी के पुत्र हरीश गुलाटी, समाजसेवी श्री PP सिंह, नरेश दरगान, लक्ष वासुदेव, सुरेंद्र सिंह मेहरा, राजकुमार राजू, शक्ति सिंह, हेमंत चरणजीत सिंह काले, दीपेंद्र सिंह रजनी कर, नीरज, जसमीत सिंह, KK त्रिपाठी, लव चंदन सिंह, दिलीप गुप्ता, सुनील गर्ग, विजय मेहरा, हेमंत अरोड़ा, राजू सिंह, राजदीप सिंह, नरेश नरूला, गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब प्रबंधन कमेटी के प्रधान इंद्रजीत सिंह राजा की उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। हमारे संवाददाता KK त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। पंद्रह अगस्त 75वां जो हमारा ये आज़ादी दिवस सालाना है, 75 साल हो गए, आप सब जानते ही हैं। आपके चैनल के थ्रू मैं सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और ये मैसेज दूँगा कि आज हम अपने देश के लिए मना रहे हैं ये 75वां साल। जातिवाद से, धर्म से ऊपर उठ के जो है हमारा देश है, तो हमारे को जातिवाद से उठ के अपने हिंदुस्तान के लिए हमेशा बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। इतिहास को हमें भूलना चाहिए, इतिहास हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसा कि अभी राणा भाई साहब जी ने आपको बताया कि इतिहास जो है बच्चों को स्कूलों में भी पढ़ाया जाए। आज आप देखेंगे कि जहां सेक्टर 12 में ये दिवस मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से, वहां पे भी आज भी जो है सबसे नंबर वन जो बैंड बजता है वो खालसा स्कूल का बजता है, जो खालसा स्कूल फरीदाबाद में, और उसके अलावा यहाँ बड़े बड़े स्कूल हैं बहुत, लेकिन नंबर वन बैंड जो है वो खालसा स्कूल का बजता है वहाँ पे। इस बात की भी हमें खुशी होती है कि जिस स्कूल से हम जुड़े हुए हैं तो वहाँ वो नंबर वन आता है। और साथ में ये मैसेज देना चाहेंगे कि जब भी देश को हमारी जरूरत पड़ेगी, हम हमेशा देश के साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे और अपने देश के हित के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। आज़ादी, सब तो पहले मैं आज़ादी दी लोगों सबनों जड़े है भारतवासी है सबनों बधाई देऊंगा। आज़ादी दी आज़ादी बड़ी मुश्किल सानू मिली है, बड़ी कुर्बानियां दी गई आज़ादी मिली है। दूजी गल जिथे है कोरोना दी गल, जड़ी संगत है सिख कौम है ते बाकी होर भी साडे वलंटियर है, कोरोना वास्ते कभी पिछे नहीं रहे। तो आने वाले टाइम च भी अगर परमात्मा ना करे तीजी लहर आती है तो आप डट के कोरोना का सामना करांगे ते लोगों नू कोरोना तो मुक्त करांगे। वैक्सीनेशन का काम चल रहा, आप चाहते हैं कि सारे जिहड़े है वैक्सीनेशन विच अपना पार्टिसिपेट करन, जद तो वैक्सीनेशन लैन। जित तक है पंजाबी सेवा दल की गल, आप पिछले काफ़ी टाइम तो जुड़े हुए हैं, पौधा रोपण कार्यक्रम आप कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन काम आपने लगाया सी, बहुत कामयाब रहा। अज साडे चेयरमैन जिहड़े है राणा जी ते साडे प्रधान सरबजीत सिंह, उन्होंने
उन्होंने नेतृत्व च आपने अज जिहड़ा है इत्थे स्वतंत्रता दिवस मनाया। यह पूरे मुल्क का पर्व आ, यह किसी एक बंदे का पर्व नहीं है। तो सब नूं बधाई देंदे हो, मैं कहना कि सारे मिलजुल के अगे आओ देश की सेवा वास्ते। मावां नूं जिन्होंने इहो जिहे जांबाज पुत्र पैदा किए, जिन्होंने देश की आजादी लई अपनी जाना कुरबाना कीतियां, आजाद करदे हो लोकां नूं, उह शहीदां नूं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के, चाहे वह काले पानी की सजा सी, इतिहास पढ़ के देख लो, चाहे वह फांसी ते लटकाए गए, चाहे वह तोपां नाल बंद करके उड़ाए गए, मगर जो जज्बा सी जिहड़ा कुरबानी का, उस करके ही असी आजाद देश में सांस ले रहे हैं। मैं गल एक गल अलग है कि बहुत सारी गल्लां तो सानू दुख भी है, क्योंकि जो गल करते हैं आजादी की 1957 की गदर की गल करते हैं, सानू इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। इतिहास 700 साल मुगलों का राज रहा, अगर उन्होंने पलटन वाला कोई हैगा सी 700 साल दे राज नूं मुक्ति दिलाने वाला सी वो बाबा बंदा सिंह बहादुर सी, और जो साडा देश है भुल गया। मैं इस सरकारां नूं ये कहना चाहना कि तुसी आप भी पढ़ो ते उन्हें याद करो, ना पढ़ाओ भी इतिहास की सी, किन्नी किन्नी कुरबानियां कीतियां ते की कीता उन्होंने, ते इहो जे इह सरकारां जिहड़ियां है ना, इह उन्हां नूं याद करदी जिहड़ियां माफ़ियां मंगियां। माफ़ करना, फिर कभी फिर गल करेंगे, समय बहुत घट है। मैं फिर एक बारी जिहड़े भी देखते पे ने सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद करता, नाल वधाई देना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और नमन करता हूँ ऐसे शहीदों का जिनका आज हमारे इतिहास में नाम है या नहीं है, क्योंकि कई ऐसे शहीद जिन्होंने बिना किसी नाम के, बिना किसी ख्याति के अपनी जान न्यौछावर कर दी। तो मैं उन सभी को नमन करता हुआ इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.